हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, दशहरा का पर्व आने वाला है। 2024 में दशहरा पर्व 12 अक्टूबर शनिवार के दिन बनाया जाएगा। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये पर्व अपने आप में विजय दर्शाता है, यानी जीत का पर्व है। जैसे सभी को पता है कि श्री राम ने रावण का वध किया था और वध करने के बाद वो अयोध्या अपने घर वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने खुशी से उनके उनके नाम से दीपक प्रज्वलित किए थे। सब जगह पूरी अयोध्या नगरी दीपक से प्रज्वलित थी। इसके अलावा माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। ये दर्शाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है और सत्य पर मतलब असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, और अधर्म को मतलब अधर्म को हराने वाला धर्म का पर्व है। कुल मिलाकर बुराइयों को शरीर से खत्म करना, ये पर्व इस बात को दर्शाता है, क्योंकि भीतर भी एक रावण बैठा है। वो रावण कैसा है? काम क्रोध लोभ मोह निंदा चुगली, किसी की खुशी ना देखना, ये सब रावण के ही गुण अंदर के। तो इसको आज के दिन दहन करना, असली आप दशहरा पर्व मनाएंगे। मेरा कहने का मतलब है ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, और कहते हैं ना अधर्म को मतलब अधर्म को धर्म के द्वारा मतलब अधर्म को खत्म करना और धर्म पर विजय प्राप्त करना, इसका पर्व है। तो दोस्तों, ये पर्व जो है खुशियों से मनाएं आप। शाम के समय पूरे घर में दीपक प्रज्वलित करें। इसके अलावा आप इस दिन स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अपने आप में बहुत शुभ मुहूर्त कहलाता है। नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं, अन्न प्राशन बच्चे का कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं और मुंडन कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं, सगाई कर सकते हैं। लेकिन विवाह के लिए आप बचे, विवाह के मुहूर्त जो है नवंबर के बाद आएंगे, उसमें विवाह करें, बहुत शुभ मुहूर्त में, यानी कहते ना देवउठान एकादशी के बाद, यानी विवाह को आप रोक सकते हैं इस मुहूर्त में। बाकी सारे काम कर सकते हैं, वही खाते का पूजन कर सकते हैं, किताबें पूछ सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों की पूजा कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, यानी बहुत अपने आप में शुभ मुहूर्त है। और इस दिन जो है नवरात्रि, अगर आपने 9 दिन की है और जो बीजे हैं तो जयंती निकली होगी, उस जयंती को माँ जयंती के रूप में माना जाता है। उसको माथे पर लगाकर विधिवत पूजा करें और पूजा करने के बाद लाल कपड़े में पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। साल भर माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी और घर की निगेटिव एनर्जी दूर होगी। इसके अलावा विद्यार्थियों की किताब में भी रख सकते हैं अपनी जयंतियों को, बच्चों का मन एकाग्र होगा, बच्चों का मन पढ़ने में लगेगा। पान खाना बहुत शुभ होता है। जो व्यक्ति पान खाता दशहरे वाले दिन, उसके घर में सुख समृद्धि आती है। झाड़ू का दान शाम के समय करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। लक्ष्मी जी सदा आपके घर में स्थायित्व के रूप में रहेंगी। ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम जयाय नमः, ओम जय नमः, ओम अपराजिताय नमः। इन देवियों की आप पूजा करें, अपराजिता देवी की आप पूजा करें। इसके अलावा 10 तरह के फल श्री राम भगवान के आगे रख कर पूजा करने के बाद छोटे छोटे बच्चों को आप बांट सकते हैं। एक नारियल को पीले कपड़े में बांधकर राम मंदिर में आप रख सकते हैं। उसमें जनेऊ रखें, कुछ मिष्ठान रखें, राम जी के चरणों में जाकर वहां पर आप रख दें। समी के पेड़ की पूजा करें, उत्तर पूर्व दिशा में समी का पेड़ लगाएं। कहा जाता है जो व्यक्ति दशहरे वाले दिन समी के पेड़ की पूजा करता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 12 अक्टूबर शनिवार का दिन है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 है, ये शनि ग्रह से परेशान है, तो सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक करें। किनका? शनि भगवान का। और वहां पर सरसों का तेल प्रज्वलित करें, मतलब सरसों के तेल में एक दीपक प्रज्वलित कर दें। इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम दरबार स्थापित करें, बिगड़े काम बनने लगेंगे। एक दीवला लें, 7 लौंग रखें, 7 कपूर रखें, 7 तेजपत्र रखें और अग्नि जला दें। पूरे घर में उसका जो धुआं निकले पूरे घर में घुमाएं, इससे निगेटिव एनर्जी दूर होगी। शनि भगवान हनुमान जी की पूजा करनी है। अगर आपकी कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक नारियल लें, उसको अपने ऊपर से उल्टा घुमाकर 7 बार, नासे रोग हरे सब जब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा, घुमाकर जहाँ रावण दहन हो रहा हो वहाँ जलती हुई अग्नि में आपको डाल देना है, आपकी बीमारी दूर होगी। इसके अलावा आप जब कार्यों में सफलता चाहते हैं तो अपराजिता पेड़ लाएं, ये बेल होती है, इसको लाकर घर में पूजें। इसका जो फूल हो उसको निकाल कर अपने हाथ में रख कर माँ से प्रार्थना करें। अपराजिता देवी भी मानी जाती हैं, आपने दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ा होगा। और फिर इस फूल को पूजा करके अपनी जो है पुरुष वर्ग है वो दाहिनी बाजू में धारण करें, महिला है वो बाई बाजू में धारण करें।
इससे पहले आपके फूल के आगे माँ का ध्यान करना कि हे माँ, जैसे कि आपका नाम है अपराजिता, हमें कभी भी पराजित ना होना पड़े किसी काम में, इस तरह प्रार्थना करके आपको उस फूल को धारण कर लेना है। श्री राम के मंदिर में जरूर जाएं, समी के पेड़ पर आपको 11 दीपक शुद्ध देसी घी के तेल के प्रज्वलित कर दें, गुप्त दान करें। ईशान कोण में पति पत्नी एक रंगोली बनाएं, अष्ट दल कमल बनाएं और वहां पर एक दिया प्रज्वलित कर दें, इससे जो पति पत्नी के मतभेद दूर होंगे। इसके अलावा इस दिन जो है चमड़ा है, हल्दी है और आपका धार वाली चीजों का दान ना करें, इससे कहा जाता है अच्छा नहीं माना जाता। नीलकंठ दिखाई दे जाए बहुत शुभ है, नीलकंठ पक्षी आपकी दिखाई दे रहा है आज के दिन दशहरे के दिन, तो समझ लें आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। इसके अलावा तो दशहरा हमेशा दोपहर में पूजा जाता है, जो इस बार मुहूर्त पड़ रहा है वो 2:05 से 2:48 तक रहेगा। रावण का दहन जो है 8:45 से रात को 8:15 के बीच में होगा, यानी कि आपको इस दिन जो है जो मतलब एक तो श्री राम की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है। इसके अलावा जो रावण के दहन का मुहूर्त है वो 8:45 से 8:15 के अलावा 5:45 से रात 8:15 तक भी रहेगा। सुबह जाए जब रावण का दहन हो जाए तो उनकी राख लेकर आ जाए, लकड़ियां बची उनको लेकर आ जाए, अपने घर में बांध कर रखें, इससे कहा जाता है नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, शत्रु आपको पराजित नहीं कर सकते। व्यापार में रखते हैं तो व्यापार स्थल की जो तरक्की है वो होती है, व्यापार बढ़ता है। घर पर रखते हैं तिजोरी पैसों से भरी रह जाती है, धन समृद्धि बढ़ती है, यानी घर पर भी रख सकते हैं आप, तिजोरी में भी रख सकते हैं, व्यापार स्थल पर भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? रावण दहन वाली जो राख होती है ना उसमें लकड़ियां बची रहती हैं, सुबह जाएं और चुपचाप ले आए, ये काम करते हैं तो आपके जीवन की उन्नति तरक्की लगातार बनी रहती है। और इस दिन जो है आपको अगर कहते हैं ना कि जैसे कोई अच्छा कार्य करना है तो निश्चित करें, आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। माता दुर्गा और श्री राम की पूजा का विधान है, लक्ष्मी कुमार जी की भी पूजा कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन दशहरे में भी मुहूर्त देखा जाता है, उस मुहूर्त में करें तो अति उत्तम है। वैसे कहा जाता है दशहरा अपने आप में विजय मुहूर्त है, आप किसी मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन और भी मुहूर्त निकाल कर अगर आप करते हैं अभिजीत मुहूर्त में तो आपके काम होते हैं। जैसे कि मुहूर्त मैंने बताया था दोपहर 2 से 2:45 के बीच में, किसी का अपमान ना करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, पेड़ पौधों को इस दिन ना काटें। तो दोस्तों ये कुछ कार्य अगर आप करते हैं तो आपको अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको सपने में अगर नवरात्रि के दिनों में या दशहरे में अगर तोता दिखाई देता है, समझ लें आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, सपने में एक बात कर रही हूँ, नेवला दिखाई देता है, समझ लें कि आभूषण मिलेंगे आपको। और अगर आपको सफ़ेद चींटियाँ दिखाई देती हैं सपने में तो धन प्राप्ति के योग हैं। खुद को एक गिलास में दूध पीते देख रहे हैं तो समझ लें आपकी जल्दी परेशानियाँ दूर होने वाली हैं। मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है तो बहुत शुभ माना जाता है। कमल का फूल हाथ में लेकर आप देख रहे हैं तो अति उत्तम है, आपको हर तरह से धन की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये कार्य आप दशहरे वाले दिन करें और श्री राम के मंत्रों का जाप लगातार करें। किसके यहाँ दशहरा पूजा जाता है वो गेहूं और चूने का मतलब एक लेप तैयार करके दशहरा बनाएं और पूजें। कहा जाता है 9 डेरी गोबर के कंडों की रखकर 2 कटोरियां रखें, उसमें एक में चांदी के सिक्के रखें, एक में जौ है गुड़ है फल रखें और दशहरे की पूजा करें। उसके बाद ये जो जौ रखी है आपने मतलब जो जौ रखे ना बीज के रूप में वो और फल और गुड़ और केला पूजा करने के बाद कहा जाता है छोटे छोटे बटकों में बांटे जाते हैं। तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत खास है इस बार का दशहरा, क्योंकि एक तो कुंभ राशि शनि में आ रहा है तो शशि योग बन रहा है, शुक्र और बुध मिल रहे हैं तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और शुक्र का प्रभाव है तो मालवीय योग बन रहा है, यानी बहुत खास मुहूर्त में आया। तो आप व्हीकल जरूर खरीदें, मकान खरीद सकते हैं, अति उत्तम है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, इसका आप ध्यान रखें और सेलिब्रेट करें हम दशहरा। शाम के समय जब रावण का दहन हो जाए तो पूरे घर में आप दीपक जला सकते हैं, पटाखे जला सकते हैं, यानी जैसे आप हिसाब से कर सकते हैं वो उस हिसाब से करें जो मैंने आपको बता दी, और इन बातों को भी आप ध्यान में रखकर दशहरा बनाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। माँ दुर्गा के पूजन की जो है विसर्जन होता है इस दिन, इसलिए माँ का ध्यान करके हुए आपको एक बार माँ का ध्यान करें और जयकारा लगाएं, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।